औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए बिहार से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बिहार की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार की सरजमीन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब एक लौते विधायक बनकर वहां पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार जो महागठबंधन की सरकार है उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब को मंत्री पद दिया जा सकता है। और वहां पर अख्तरुल ईमान साहब की जिस तरह से एक बेबाक क़यादत वहाँ पर चल रही है उसी को मद्देनज़र रखते हुए नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और जो तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको लेकर यहां पर एक दावेदारी पेश करते हुए अख्तरुल ईमान साहब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार अख्तरुल ईमान साहब बिहार की राजनीति में सीमांचल और किशनगंज में अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के चलते अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज पूरी बिहार की राजनीति में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कयादत को मजबूत बनाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर लगातार अख्तरुल ईमान साहब बिहार की राजनीति में मुसलमानों को दलितों को इंसाफ दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव यहाँ पर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब आज जिस तरह से वहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से आवाम को अपनी ओर खींच रहे हैं और आवाम का दिल जीतने में अख्तरुल ईमान साहब कामयाब हो रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश बिहार और कई जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़ी तेजी के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और आज बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब वहां पर मंत्री बनकर आवाम की खिदमत को अंजाम देंगे। क्योंकि आवाम अब यही चाहती है कि बेबाक कायदों को यहाँ पर नुमाइंदगी दी जाए जो उनके लिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए उनके बच्चों को एजुकेशन बनाए और एजुकेटेड बनाए, उसी को लेकर लगातार एजुकेशन के फील्ड में अख्तरुल ईमान साहब काम कर रहे हैं। तो आप सब मिलकर आप सभी को एक यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को मजबूत बनाना है तो आप यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ ऐसे ही काम करें। और मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने जानने पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।